आज तक ये जो ब्लॉग बनाने का पर्पस यही है, कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा था रिगार्डिंग, पूछ रहे थे कि थाईलैंड का स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोसेस क्या है। तो आज का जो ब्लॉग बनेगा यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं नाम है राहुल और मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक सिटी में, और अभी चौफरा स्काई वॉक पे बैठे हुए हैं। वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेस है यहाँ पे, टाइम किलिंग के लिए बोलिए या फिर फोटो व्यूज के लिए बोलिए या फोटो शूट के लिए बोलिए, बहुत ही अच्छा जगह है। अगर आप लोग यहाँ नहीं आए तो यहाँ पे आ जाइएगा, बहुत ही अच्छा जगह, हवा अच्छा बहता है, अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा है थाईलैंड में, ठीक है ना। और आज का ये जो ब्लॉग बनाने का पर्पस यही है, कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा था रिगार्डिंग, पूछ रहे थे कि थाईलैंड का स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोसेस क्या है। तो आज का जो ब्लॉग बनेगा यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे करके आना है। और वो भी पूछ रहे थे भाई लोग कि इंडिया में रह कर कैसे हमको मिलेगा थाईलैंड का स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है ना। तो यही आज बताएंगे आपको प्रोसेस, मतलब इंडिया में रह के आपको कैसे थाईलैंड का स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, उसके बाद में वो भी स्टिकर वीज़ा और वही वीज़ा लेकर आप आ सकते हो यहाँ पे थाईलैंड में। तो ब्लॉग शुरू करते हैं, उससे पहले एक बार आप लोग से एक और रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर और भी ब्लॉग डालेंगे अपडेट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थाईलैंड का, तो आपको अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बहुत भाई पूछ रहे थे रिगार्डिंग थाईलैंड में कैसे काम मिलता है, तो ये सारे कुछ, क्योंकि देखिए काम मिलता है इसके पीछे भी बहुत जन स्कैम भी करते हैं, तो ये सारे कुछ के ऊपर हम ब्लॉग बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग कृपया वो सारे ब्लॉग देखिएगा, हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देखिएगा, उसमें हम बता चुके हैं कैसे कैसे ट्रैप किया जाता है, कैसे स्कैम किया जाता है हमारे भाइयों लोग के साथ में। यहाँ पे कुछ बोलते और है इंडिया में, यहाँ पे ला के कुछ और मिलता है, आप लोग फंस जाते हो, तो वो ठीक नहीं है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, ब्लॉग देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन हम बता चुके हैं, और बिना स्किप किए ब्लॉग देखिएगा, ताकि तो आपको सारे कुछ अच्छा से समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो चलिए आज का ये जो ब्लॉग है ये शुरू करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कैसे आपको मिलेगा। देखिए थाईलैंड में स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है इंडिया से ही, तो आप कोई कोर्स वगैरह आप सर्च करो कि आपको कौन सा कोर्स करना है थाईलैंड में। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, लैंग्वेज सीखने वाले यहाँ पे कोर्सेस हैं, मुआ थाई है जो बॉक्सिंग होता है, थाईलैंड का मोस्ट फेमस फाइट है वो मुआ थाई, बहुत जन आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए। फिर से आपका कुकिंग है, फिर से आपका स्क्यूबा ड्राइविंग है, स्विमिंग है, बहुत कुछ है यहाँ पे, स्पोर्ट्स है बहुत कुछ, जिसको आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें, और आपको वो लोग वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे, थाईलैंड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी आपको सर्च करना है, अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे थाईलैंड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी का लिंक, और थाईलैंड का टॉप 10 मतलब कि बजट वाला जो यूनिवर्सिटी है वो हम लिंक मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा आपको जो समझ में आए। पहले तो आपको यूनिवर्सिटी खोजना है, यूनिवर्सिटी खोजने के बाद में आपको देखना है किसका क्या फीस है, क्या बजट है और आपका क्या बजट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, सर्च कीजिएगा पूरा फुल डिटेल्स उनका पता कीजिएगा, पता करने के बाद में उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा वाया मेल या फिर कॉल से भी आप लोग बात कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं कॉल करके बात करने का इंडिया से, क्योंकि इंडिया से कॉल करिएगा, यहाँ पर इंडियन नंबर से तो चार्जेस लगेगा आपको अराउंड 15 रुपीज़ 20 रुपया पर मिनट कटता है, तो आप लोग कॉल करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं कि मेरे को एडमिशन चाहिए रिगार्डिंग दिस, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, तो वो लोग आपको डिटेल्स, अगर उनका अच्छा लगा आपका डिटेल्स तो वो लोग क्या करेंगे आपको क्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं डिटेल्स वगैरह सारा कुछ शेयर करेंगे, उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप करोगे आप, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद में सारे कुछ, देखिए उसमें डिटेल्स क्या क्या लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट लगने के बाद में आपका फिर से फोटो कॉपी लगता है, पासपोर्ट साइज फोटो लगता है वो लगेगा आपका, उसके बाद फिर वीज़ा का फॉर्म आता है वो आप फिलअप करोगे, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आप सबमिट करोगे VFS ग्लोबल में, ठीक है ना, वीज़ा फॉर्म हो गया आपका, उसके बाद में एडमिशन कंफर्मेशन लेटर हो गया,
वो आपको फिलअप करना है। देखिए बारिश स्टार्ट हो गया फिर भी हम ब्लॉग बना रहे हैं। उसके बाद में देखिए अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडुकेशनल, अगर आपका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो। उसके बाद आपका एकोमोडेशन का प्रूफ लगेगा कि आप कहाँ रहोगे थाईलैंड में, ठीक है ना, किसके पास रहोगे। अगर फ्रेंड के पास रहोगे तो उसका लेटर लगेगा और उसका पासपोर्ट लगेगा, ठीक है ना, और उस बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपका 6 मंथ का, जो कि प्रूफ करेगा जिसमें बैलेंस रहना चाहिए $600-700 के ऊपर। तो अगर आपके पास में 1-2 लाख के ऊपर रहा तो वो भी वेल एंड गुड है आपके लिए, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद में पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस लगेगा जो कि इंडिकेट करेगा कि आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है। ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में आप BFS ग्लोबल में जाइएगा, वहाँ जमा कर दीजिएगा, वहाँ जमा कीजिएगा और फीस लगेगा 2,000 थाई बाट, अराउंड लाइक 5,000 रुपीज़ लगेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छा रहा तो 5 to 10 working days में आपका स्टूडेंट वीज़ा लग के मिलेगा, और वो वीज़ा लग के मिलेगा जो 90 डेज का मिलेगा, जो कि आगे चल के 90 डेज के बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ बहुत भाई सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट वीज़ा लेकर आके यहाँ पे हम काम करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो इलीगल हो गया। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर यहाँ पे आते हो और आप काम करते हो, और अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको केस आपके ऊपर क्लेम हो जाएगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको जेल भी जाने का नौबत आ जाएगा। तो ऐसा भूल नहीं कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप अपना आइएगा लीगल वे प्रोसीजर से, जैसे जो वीज़ा लेकर आ रहे हैं उस वीज़ा के काम कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट वीज़ा लेकर आ रहे हैं तो अपना पढ़ाई कीजिएगा, स्किल सीखने आ रहे हो आप, स्किल सीखिए आप, ठीक है ना। और एक बता रहे थे, जैसे कि आपका 90 डेज का स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा आपका, वो जैसे सिंगल एंट्री रहता है, तो जैसे 90 डेज के अंदर में आपको कुछ अर्जेंट हो गया वापस इंडिया जाने के लिए, तो आप अगर इंडिया जाते हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से री एंट्री अगर वीज़ा वापस दोबारा नहीं लेते हो तो वो वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर आप उस वीज़ा पे वापस नहीं आ पाओगे। उसके लिए आप क्या करोगे, जब आप इंडिया वापस जाओगे ना, तो इंडिया वापस जाने के टाइम में आपको री एंट्री परमिट लेना पड़ेगा, वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। आपको एयरपोर्ट जब आप इमिग्रेशन में जाओगे ना, उससे पहले ये काउंटर रहता है री एंट्री वीज़ा का, इस टाइम बोर्ड बैनर लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आप जाकर ना वहाँ से री एंट्री परमिट लोगे आप, उसके बाद आप इंडिया जाओ, ताकि वहाँ से जब आप वापस आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका तो री एंट्री वीज़ा है, आप आ सकते हो। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मेरे को आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो, दोनों जगह आप कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, रिप्लाई आपको फटाक से मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और फिर से दोबारा हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अब और मतलब कि क्या बोले, अपडेट ही, मतलब पूरा ब्लॉग बन रहा है रिगार्डिंग अपडेट, रिगार्डिंग थाईलैंड के बारे में। कभी थाईलैंड वीज़ा के लिए अपडेट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, थाईलैंड में कैसे स्कैम किया जा रहा है वो ब्लॉग बना दे रहे हैं, थाईलैंड में कैसे जॉब पाना है उसका ब्लॉग आपको बना दिए हैं, बना देंगे और भी। फिर से कैसे इंडियंस ट्रैप हो रहे हैं यहाँ आके, कैसे फंसाया जा रहा है उनको, ये सारे जितने भी ब्लॉग्स है, हाउ टू गेट अ जॉब इन थाईलैंड, हाउ टू स्टे लॉन्ग टर्म इन थाईलैंड, वट इज़ द सैलरी ऑफ इंडियन इन थाईलैंड, ये सारे ब्लॉग्स जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो भाई लोग, उनसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशन कर देंगे, आप लोग जाइए और उस ब्लॉग को देखिए, प्यार दीजिए, बिना स्किप किए वो ब्लॉग देखिए आप लोग, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि हम बना चुके हैं वो सारे ब्लॉग्स। और हेल्पफुल अगर आप लोग को लगेगा तो एक शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा, ताकि हम वो ब्लॉग जान पाए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। जो आपको अच्छा फीडबैक ले, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, अगर आपको लगे कि ब्लॉग अच्छा नहीं लगा फिर भी कमेंट कर दो कि हाँ अच्छा नहीं लगा, ताकि हम नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाएंगे तो वो माइंड दिमाग में रखेंगे कि हाँ और क्या हम ऐड करें और क्या इन्फॉर्मेशन हम ऐड करें आप लोगों के लिए। तो ये प्रोसीजर था कैसे स्टूडेंट वीज़ा आपको मिलना है। इसमें टाइम लगेगा 5 to 10 working days, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपका अच्छा रहा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको हम बता दिए हैं वो आप देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी में आप, ये नहीं कि एक जगह यूनिवर्सिटी में आप कॉल किए, 4-5 जगह यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिएगा, आप सारे जगह का इंफॉर्मेशन लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जिसका रैंक अच्छा है। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द में क्या होता है ना, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यहाँ सस्ता है,
है ना, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट में सस्ता है प्राइवेट में महंगा है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट महंगा है प्राइवेट सस्ता है। और जो आपको बता दिए, आपको ये भी देखना है प्राइवेट वाला, जैसे कि क्या प्राइवेट वाला, जैसे आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल में रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो ही आपको मतलब कि सब कुछ ओके है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बहुत सारे यहाँ पे ना रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं, और आपको मिलता है वीज़ा वगैरह तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप, तो आपको ये देखना पड़ेगा रजिस्टर्ड है कि नहीं। रजिस्टर्ड रहेगा उस सारे, रजिस्टर्ड क्या है, उस सारे कुछ उसमें रहता है, यूनिवर्सिटी का कोड रहता है वो, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल है, उस पर जाके आप सर्च करोगे ना, तो आपको उसमें दिखा देगा कौन सा यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। फिर भी हम लिंक में और डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटी और टॉप 10 बजट यूनिवर्सिटी, आप लोग वहाँ से आप लोग आराम से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा प्रोसीजर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वीज़ा इन थाईलैंड, तो आपको कैसे कैसे लेके आना है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे सेफ।